हेलो वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है जारे जोन के बीच चैनल पे। तो आज खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मैच। तो देखते हैं कौन जीतता है। 7 बार जीत चुका है इंडिया और 4 बार श्रीलंका। तो प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल। और लाइनअप रहेगा जो वो सेम ही रहेगा, शार्दुल ठाकुर का जगह अक्षर पटेल आएगा। मेरे को लगता है स्पिन होगा तो इसी वजह से लिया गया। और इसी बीच ओवर दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आ चुका है और श्रीलंका ने हेड का कॉल किया है। इसी के साथ श्रीलंका टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो फाइनल का पहला इनिंग्स का एक पहला गेंद सिराज अंडर विकेट से निक्साना को गेंद डालते हैं ओवर की पहली गेंद और अंदर आती है गेंद और बीट होते हुए बैट्समैन, कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया लाइन ऑल के साथ गेंदबाजी करते हुए सिराज इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद राउंड विकेट से डालते हैं। और इस बार हवा में थी लेकिन हल्के तो इसे चिप करते हुए खेल दिया है और एक सक बड़ के दिशा में और 4 रन। इस बार की तीसरी गेंद इस बार कट करते हुए खेल दिया है डिस्कल पावर पॉइंट की तरफ और इस बार 1 रन। और अभी तक बहुत ही बढ़िया ओवर जाते हुए श्रीलंका के तरफ से। अभी कुशल पेरेरा दूसरी गेंद से सामना करेगा। ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और पुल करते हुए खेल दिया है 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जो पहला 4 गेंद पर आया 6 रन। इसी ओवर की 5वीं गेंद इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद लेंटी और हल्के हाथों से खेल दिया है कॉर पॉइंट के तरफ और 1 रन से स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बैट्समैन बहुत ही शानदार तरीके से। इसी ओवर की अंतिम गेंद और कुशल पेरेरा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश इस बार गैप ढूंढते हुए खेल दिया है और इसी बीच बहुत ही शानदार फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर के फील्डर का। और जब तक थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही आसानी से 3 रन पूरा करते हैं। इसी बीच ओवर में आया 10 रन और दूसरे एंड से अक्षर पटेल को लाया जा रहा है। इसी बीच ओवर की पहली गेंद अक्षर पटेल डालते हुए और उस ने हल्के हाथों से खेल दिया है कवर और मिड ऑफ के बीच से गैप ढूंढते हुए 1 रन के लिए। उसके बाद अगली गेंद और इस बार हल्के हाथों से फिर से खेल दिया है निशांका ने तो फिर से 1 रन। अभी तक इस ओवर में आया है 2 रन। श्रीलंका का स्कोर 12। और इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद स्वीप करते हुए खेल दिया है और बहुत ही शानदार फील्डिंग डीप मिड विकेट के फील्डर का। और जब तक बॉल को थ्रो करते तब तक दोनों बैट्समैन 3 रन पूरा कर चुके हैं। इसी बीच बुमरा अपना पहला ओवर डाल दिया है। तीसरे ओवर की पहली गेंद 2 ओवर में आया 15 रन। ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है और पहली गेंद को ही स्क्वायर लेग के दिशा में धकेल दिया है और फील्डर दोनों फिर जेब भाग रहे हैं, लेकिन जब तक फील्डर बॉल को चूक होते हैं तब तक दोनों ही बैट्समैन आसानी से 2 रन पूरा करते हुए 2 ओवर 1 गेंद में श्रीलंका का स्कोर 17। ओवर की दूसरी गेंद हाथों से धकेल दिया है मिड ऑफ के सेक्टर पर और 1 रन से स्ट्राइक रोटेट करते हुए। और ओवर 3 गेंदों में आया सिर्फ 2 रन। और उसी बीच ओवर की चौथी गेंद को डी फाइनल की तरफ से खेल दिया है 4 रन के लिए ऑन बाउंस चौका और कप्तान नाखुश होते हुए। और इसी बीच 2 ओवर 4 गेंद में आया 22 रन। और इसी के बीच 5वीं गेंद और इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी थी इस बार गैप ढूंढते हुए पॉइंट और कवर के बीच से 4 रन के लिए खेल दिया। ओवर की अंतिम गेंद और ये अंतिम गेंद को कवर और मेड अप के फील्डर के सर के ऊपर से खेलते हुए 4 रन। और दूसरी एंड से कुलदीप जादव को लाया जा रहा है। 3 ओवर में आया 30। भी ओवर की पहली गेंद और बल्ले का बैटरी किनारे लगते हुए गली और पॉइंट के दिशा में जाते हुए और खेलना किसी और तरफ जाते थे और गेंद गई किसी और तरफ। इसी बीच 2 रन पूरा करते हुए पहली गेंद में आया 2 रन। और ओवर की दूसरी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया और मिस फील्डिंग होता हुआ बॉलर की तरफ से और 1 रन बहुत ही आसानी से चुराते हुए दोनों बैट्समैन। और इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद इस बार हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की तरफ धकेल दिया है और 1 रन।
से रनों की गति को आगे लेकर जाते हुए दोनों ही बैट्समैन। और इसी बीच पैरों में गेंद डाली थी और बैट्समैन ने मिड विकेट की तरफ धकेल दिया है और एक रन आता हुआ, और इसी एक रन के साथ चार तीन ओवर चार गेंद में 35 बिना विकेट के पाए। इसी बीच ओवर किए पांचवी गेंद, इस बार स्टेप आउट करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और एक गेंद सीधा लॉन्ग ऑन में खड़े हुए फील्डर के हाथों में और पहला झटका श्रीलंका को लगता हुआ। कुलदीप यादव की बहुत ही अच्छी गेंद स्टेप आउट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथों खेल बैठे और प्रथम निशान का 20-14 गेंद पर बनाकर आउट होते हुए। अभी कुशल मेंडिस 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद और इस बार हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ खेल दिया और 2 रन बहुत ही आसानी से चुरा लिया क्योंकि बहुत ही खराब फील्डिंग। और रविंद्र जडेजा दूसरी तरफ 5वें ओवर डालते हुए ओवर की पहली गेंद, इस बार हल्के हाथों से डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन, बहुत ही अच्छा थ्रो। और इस बीच ओवर की दूसरी गेंद, इस बार पॉइंट के दिशा में कट करते हुए खेल दिया है और एक रन। 5वें ओवर की 5वीं गेंद, रविंद्र जडेजा कुशल ओपनर को डालते हुए और इसी बीच हवा में गेंद और लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन मिलता हुआ। तो ओवर की अंतिम गेंद और अंतिम गेंद को फिर से कैच का मौका और लेकिन फील्डर कोशिश कर रहे थे लेकिन हाथ में नहीं आया। तो 48/1 कुलदीप यादव अपना दूसरा ओवर डालते हुए ओवर किए दूसरी गेंद और हल्के हाथों से फाइल लेग के दिशा में खेल दिया है और कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 4 रन। ओवर की चौथी गेंद, इस बार कट करते हुए खेल दिया है थर्ड मैन के दिशा में और चौका लगातार 2 गेंद में 2 चौका। और ओवर की अंतिम गेंद, इस बार स्टेप आउट करते हुए खेल दिया है लेकिन और 6 रन अंतिम गेंद अच्छे और बहुत ही अच्छा ओवर जाता है श्रीलंका की तरफ से। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या फिर से अपना दूसरा पहला ओवर डालते हुए 7वें ओवर की पहली गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया कवर के बीच से गैप ढूंढ रही है और एक चौका। इस बीच ओवर की दूसरी गेंद, इस बार हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 2 गेंद पर 2 चौका आते हुए। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, इस बार हल्का से खेलने की कोशिश लेकिन कॉर्नर पर खड़े हुए फील्डर के आते हुए सीधा कैच थामा पड़ता है। इसी बीच दूसरे झटका लगते हुए श्रीलंका को और हार्दिक पांड्या ने दिया दूसरा झटका और कुशल मेंडिस आउट होते हुए 19 बनाकर 10 रन हुए। और सजिरा समर विक्रमा आते हुए 4वें नंबर पर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद और फुल टॉस को 4 रन के लिए भेज दिया है। 7 ओवर में आया श्रीलंका 76। तो इसी बीच ओवर की 8वीं ओवर की पहली गेंद, इस बार हल्के आधे से कॉर्नर की दिशा में खेल दिया 1 रन। अब बोल ये मैच 10 ओवर का होगा तो देखते कौन जीतता है। और इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद और इस बार समझ नहीं पाया तो बैट्समैन स्लोअर गेंद और हल्के हाथों से खेलने की कोशिश लेकिन खेल बैठे सीधा फील्डर के हाथों में। और रोहित शर्मा का बहुत ही शानदार कैच और कमल विक्रमा 2 रन बनाकर 4वें नंबर और चरित असलम का 5वें नंबर पे आ चुका है। और कुशल परारा ओवर किए 5वीं गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के दिशा में और 1 रन। ओवर की 8वीं गेंद और इस बार फुल टॉस लेन थी लेकिन ऑन बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में जाता हुआ। 8 ओवर 3 गेंदों में 83 विकेट के नुकसान पे। और इसी बीच ओवर की 4वीं गेंद, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और पुल करते हुए खेल दिया है फाइन लेग के दिशा में और 4 रन। ओवर की 5वीं गेंद और व्हाइट पिछली तरफ फिर डाउन ने विकेट के पीछे से एक 4 रन बचा लिया एक्स्ट्रा। और इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, इस बार पैरों में गेंद और हल्के हाथों से डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है और 2 रन लेने का मौका, रन आउट का मौका हो सकता है लेकिन बहुत ही खराब थ्रो है
विकेट का मौका गवाते हुए आरसीबी सुपर किए अंतिम गेंद अंतिम गेंद पैरों में डालते हुए और 4 रन 9 ओवर खत्म होते रहे। श्रीलंका का स्कोर 94 और बुमराह अंतिम ओवर डालते हुए ओवर किए तीसरी गेंद और शॉर्ट पिच डिलीवरी और विकेट कीपर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए खेल दिया। पुल करने की कोशिश थी लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगते हुए विकेट कीपर सर के ऊपर से 4 रन के लिए चला गया। ओवर की चौथी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है और इस बार कॉल लेग और मिड विकेट के बीच से गैप ढूंढते हुए डीप मिड विकेट के दिशा में 4 रन के लिए खेल दिया है। इस ओवर की 5 विकेट इस बार फिर से पैरों में गेंद और इस बार फील्डर का गलती और 4 रन इसी के साथ कुशला पिरा का 50 पूरा होता हुआ बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए कुशल पिरारा इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद और अंतिम गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया और इनिंग्स पूरा हो चुका है। श्रीलंका का इनिंग्स पूरा होते होते 10 ओवर में बनाया 110 3 विकेट पर। इंडिया को जीतने के लिए चाहे 111। तो इसी के बीच वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए और मधुसूदन पहला ओवर डालेगा और किए पहली गेंद और शॉर्ट पिच डिलीवरी इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी पहली गेंद से लेकिन सही तरीके से नहीं लगा और हार ना के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठते शुभनम गिल और 2 रन किसी भी तरह मिलता हुआ। इसी बीच ओवर की है दूसरी गेंद इस बार डीप कॉर पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए खेल दिया है रोहित शर्मा ने। ओवर की तीसरी गेंद और डीप कॉर की तरफ 1 रन के लिए खेल दिया है और 4 गेंद में 4 रन और इसी बीच ओवर की है 5 विकेट इस बार हल्के हाथों से पॉइंट कवर के दिशा में और पॉइंट के दिशा में खेलते हुए 5 रन और इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद और शायद हॉइट होगा और हॉइट का इशारा देते हुए अंपायर और फिर से हॉइट और फिर से डाल दिए गेंद क्योंकि 5 रन इस बार तो बहुत ही खराब बॉलिंग इस बार विकेट कीपर और बैट्समैन के सर के ऊपर से 4 रन खेले जाता है और इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद और हल्के आगे से फंड के दिशा में खेल दिया है और 4 रन बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ पहले ओवर में ही बहुत ही आगे जाते हुए 15 रन आ चुका है पहले ओवर में। इसी बीच ओवर की पहली गेंद दूसरे ओवर की और दूसरे ओवर की पहली गेंद इस पर फुल करते हुए खेल दिया है फंड के दिशा में और ओवर की दूसरी गेंद का भी उसी दिशा में फिर से खेल दिया है लगातार 2 गेंद में 2 चौका खेल दिया है थर्ड वन के दिशा में और 1 रन और इस बार पैरों में गेंद और इस बार फिर से डिस्कॉल लेग के तरफ गैप ढूंढते हुए 4 रन के लिए खेल दिया है और लगातार 3 चौका इस ओवर में आ चुका है। ओवर की अंतिम गेंद फिर से पैरों में गेंद और फिर से 4 रन 4 रन के साथ इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 32 और ठीक साना को लाया गया है तो नहीं 6 साना। ओवर की तीसरी ओवर की पहली गेंद और इस बार ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बल्ले का बेहतरीन किनारा रखते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में पहला झटका 8 रन गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट होते हुए और विराट कोहली किंग कोहली आते हुए तो देखना पड़ेगा क्या कोहली इस मैच को जिता पाते हैं। और इसी बीच आते ही करने की कोशिश थी लेकिन खेलना किसी और दिशा चल गया खेल लिया गेंद गया किसी और दिशा और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विराट कोहली को। और इस बार शुभमन गिल स्विप शॉट खेलते हुए 4 रन के लिए बॉलर अपने प्रदर्शन से नाखुश होते हुए ओवर किए अंतिम गेंद और इस बार कवर के दिशा से गैप ढूंढते हुए 4 रन के लिए खेल लिया है और इसी 4 रन के साथ 3 ओवर इंडिया का स्कोर 41 एक विकेट के नुकसान पे और प्रति रन आया है अपना 4th ओवर डालने के लिए। आते ही विराट कोहली को बाउंसर के साथ टेस्ट करने की कोशिश लेकिन बाल बाल बचे विराट कोहली और 4 रन बल्ले का निचली हिस्सा लगा था और 4 रन मिलता हुआ और इसी बीच ओवर किए तीसरी गेंद और इस बार कट करते हुए खेल दिया है विराट कोहली ने और 2 रन बहुत ही आसानी से जोड़ते हुए
पांच भी गेंद और इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी और इस बार पुल करते हुए खेल लिया और शुभमन गिल भाग चुके थे और एक मौका गवाते और विराट कोहली थोड़े से गुस्से में आता हुआ चार ओवर पर 49 एक विकेट के नुकसान पे ठीक से ना अपना दूसरा ओवर डाल दिया पहली गेंद पर कोई रन नहीं बल्कि दूसरी गेंद इस बार बहुत ही शानदार फील्डिंग एक है अरे भाई क्या हो रहा है क्या मजाक चल रहा है उसको कौन बोला था ऐसा करने के लिए टेनिस खेल रहा है क्या ऐसे भी ओवर किए तीसरी गेंद इस बार गली और स्लिप के बीच से गैप ढूंढते हुए चार रन के लिए खेल दिया है और इस बार फिर से इस बार पॉइंट के दिशा से गैप ढूंढते हुए चार रन और बार किए पांच विकेट इस बार फिर से चार रन इस बार तो बैट्समैन दोनों बैट्समैन शुभमन गिल विराट कोहली रोकने का नाम ही नहीं कर रहा और इसके बीच फिर से पैरों में गेंद और इस बार दो रन होगा शायद और बहुत ही आसानी से दोनों ही बैट्समैन दो रन कंप्लीट करते हुए अभी तुनीत बिना लगे पिछले मैच का इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ है उसका हीरो तो आते ही शुभमन गिल ने कट करते हुए स्लिप के दिशा से चार रन के लिए खेल दिया दूसरी को स्टेप अप करने की कोशिश लेकिन फुल टॉस और अपील किया जा रहा है तो देखने वाला का रिव्यू लिएगा कि नहीं अंपायर ने दिया नॉट आउट तो रिव्यू नहीं लिया गया दोनों टीम की तरफ से और इसी बीच ओवर की चौथी गेंद और चौथी गेंद पर चार रन इस बार फाइनली क्रिस ने चार रन के लिए खेल लिया था ओवर की पाँच भी गेंद और इस बार फिर से स्कॉलर की तरफ चार रन के लिए खेल लिया है और बहुत ही खराब होगा जाता होगा अभी तसुन सना का कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आ गया है तो इसी सात ओवर की पहली गेंद आते ही ऑन बाउंस चौका आते ही चौके के साथ विराट कोहली ने स्वागत किया इसी बीच दोनों के बीच 50 रन के साझेदारी पर कंप्लीट होते हुए और प्रेशर में दिख रहा है श्रीलंका की टीम और ओवर किए दूसरी गेंद लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बल्ले का बैटिंग निकल रहा है थर्ड मैन के दिशा में एक रन के लिए जाता हुआ और इसी बीच दोबारा की चौथी गेंद इस बार भी थर्ड मैन के दिशा में गेंद घूमते हुए खेल दिया है और ओवर की पांचवी गेंद इस बार पॉइंट के दिशा से गैप ढूंढते हुए चार रन ओवर की अंतिम गेंद बल्ले का बेहतरीन किनारा एक रन के लिए थर्ड मैन के दिशा में खेल दिया है और डी सिल्वा आया है तो 18 गेंद पर चाहिए 22 और आते ही बहुत ही अच्छी गेंद को शुरुआत करते और ओवर की दूसरी गेंद इस बार कट करते हुए पॉइंट के दिशा से चार रन के लिए खेल दिया है कोई मौका नहीं फील्डर के पास ओवर की तीसरी गेंद इस बार डीप मिड विकेट की तरफ पावर पॉइंट सॉरी डीप पावर पॉइंट की तरफ 6 रन के लिए खेल दिया है कोई मौका नहीं देखते ही बनता है ये शॉट खड़े खड़े विराट कोहली ने खेल दिया है छक्का और इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद इस बार बैट्समैन और विकेट की बात दोनों ही हिट होते हुए और बैट्समैन भी समझ नहीं पाए थे और विकेट कीपर और इसे साफ झलकती हुई श्रीलंका टीम के तरफ से और इसी बीच ओवर की पांचवी गेंद इस बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया फील्डर पीछे भाग रहा है लेकिन कोई मौका नहीं इस बार और एक चौका और इसी चौके के साथ विराट कोहली अपना अर्धा शतक पूरा करते हुए इंडिया को 13 गेंद पर चाहिए 4 रन क्या इस ओवर में मैच खत्म होगा और इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद और स्टेप आउट करते हुए खेल लिया है थोड़ा सा रुक कर आया था खेल दिया है 4 रन के लिए और इसी के साथ 9 विकेट से इंडिया मैच जीतते हुए और खेल का हालात कुछ इस तरह श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया था और 10 ओवर में बनाया था 110 3 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने 8 ओवर में टारगेट को अचीव कर लिया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आशा करते हैं मेरा प्रोडक्शन सही हो इंडिया एशिया कप का 8 विजेता बने और
देखते मेन मैच में क्या होता है।